100 मीटर की केबल, इतना बुरा कनेक्शन होने के बाद भी। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लैन केबल को बिजली के तार के जॉइंट से जोड़ दिया है, ये देखो। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो गया है बाहर और मेल्ट भी हो गया है, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। भाई बहुत ज्यादा गर्म पानी है, बहुत ज्यादा। तेरा मोबाइल भी स्पीड के सौ सभी एक साथ ऑन करो, 3 2 1 ऑन। आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले 10 जबरदस्त एक्सपेरिमेंट इंटरनेट और लैन केबल के साथ, जो कि आप लोगों ने सोची ना होगी। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे मेरे पास है 5 अलग अलग टाइप के लैन केबल, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, छोटी छोटी और लंबी से लंबी, और पुरानी टेक्नोलॉजी से लेके एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक की। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास Cat5 केबल, ठीक है, छोटी भी है और सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी केबल आज के स्टूडियो में यही है। और फिर उसके बाद आती है Cat5e, ये इसके बाद की टेक्नोलॉजी है और इससे ज़्यादा स्पीड के साथ ये केबल आती है। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास Cat6 केबल, पूरे पूरे 50 मीटर लंबी Cat6 केबल है। और भाई उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है Cat7 केबल, भाई काफ़ी महंगी है और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और यही नहीं, सबसे आखिरी और लास्ट यहाँ पे है हमारे पास Cat8 केबल, भाई एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी तक बहुत कम ही जगह लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी कामों में इसका यूज़ होता है। तो आज के सवाल में हम लोग इन सभी केबल के साथ अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपके में ये सवाल जो आया होगा कि भाई इतने सारे केबल्स में डिफरेंस क्या है, तो भाई डिफरेंस है इनकी टेक्नोलॉजी का और डाटा ट्रांसफर स्पीड का। जैसे कि यहाँ पे जो Cat5 केबल है, इसका डाटा ट्रांसफर की स्पीड है केवल 100 MB, Cat5e में स्पीड हो जाती है भाई पूरे के पूरे 1 GBPS, और Cat6 और Cat7 में डाटा ट्रांसफर की स्पीड हो जाती है 10 GBPS, और फाइनली Cat8 में डाटा ट्रांसफर की स्पीड हो जाती है 40 GBPS। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है इंटरनेट स्पीड वर्सेस लेंथ ऑफ वायर, यानी कि 1 मीटर लंबा तार अगर हमारे राउटर से कंप्यूटर में लगाएं तो स्पीड कितनी आएगी, 10 मीटर लगाएं तो स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा, और अगर हम सीधा 100 मीटर लंबा वायर लगा दें तो स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा। और हाँ, तीनों के तीनों वायर सेम टेक्नोलॉजी पे बेस हैं जो कि है Cat5e। तो सबसे पहले 0 मीटर वायर के साथ, यानी कि कोई वायर नहीं लगाएंगे, वाईफाई के थ्रू कितनी स्पीड मिल रही है सेम कनेक्शन पे। तो देखा भाई आप लोगों ने, 60 MBPS का प्लान था मेरा, और यहाँ पे जब हमने वाईफाई के थ्रू इंटरनेट स्पीड चेक करी तो 7 MBPS डाउनलोड और 2.20 MBPS अपलोड स्पीड मिली, जो कि भाई बहुत कम मिली। रीज़न है क्योंकि वाईफाई के थ्रू लॉसेस बहुत हो जाते हैं, इस वजह से हमें स्पीड यहाँ पे कम मिली। अब आते हैं 1 मीटर वायर से, 1 मीटर वायर कनेक्ट और ये गो। दस मीटर वायर, 100 मीटर की केबल के साथ। सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, 3 2 1। ओ, लैन केबल का एक्सपेरिमेंट करते करते दिमाग में क्वेश्चन आया, जो मेरे में फाइबर कनेक्शन लगा है उसका ना जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो काम करते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अब मेरे को डाउट है थोड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके, अगर आपके पास जो कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई सवाल है बोर्ड्स का या फिर JEE नीट का, तो आप लोग सिंपली फिलो ऐप का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग 24x7 अपने क्वेश्चन अपने डाउट का सोल्यूशन पा सकते हैं। सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करें, और अपने क्वेश्चन का फोटो लेके या फिर टाइप करके सबमिट करें, फिर फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो दोस्तों है ना कितना आसान, तो भाई डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके जल्दी से फिलो ऐप को डाउनलोड करो। भाई 1 मीटर और 10 मीटर की केबल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, 100 मीटर की केबल। अब भाई गो।
भाई पैसा वसूल हो गए पूरे। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी 100 मीटर की इतनी सस्ती वाली केबल से फुल स्पीड मिल जाएगी यार, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एकदम मजा आ गया 100 मीटर की लेंथ में हमने इंटरनेट चलाया। अगला एक्सपेरिमेंट है टेक्नोलॉजी वर्सेस स्पीड, Cat 5, Cat 5P, Cat 6, 7, 8। लेकिन यहाँ पे प्लान हमारा है सिर्फ 60 Mbps का, तो उसके लिए कैट 5 केबल ही बहुत ज्यादा है। भाई यहाँ पे डिफरेंस जान लो, जो कैट 5 केबल होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 वायर्स होते हैं, और जो बाकी के वायर्स हैं 5E, 6, 7, 8 उसके अंदर 8 वायर्स होते हैं। ठीक है, कैट 5 Cat 6 केबल, ठीक है, पूरे के पूरे 50 मीटर है। और आप देखते हैं टेस्टिंग, ओ भाई ये देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जो नॉर्मल स्पीड हमें मिल रही थी 65 Mbps की वही मिली, केबल घूमी हुई है कैसे भी पड़ी हुई है, लेकिन कैट 6 केबल है और कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैट 6 केबल काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती है। इसके अंदर के जो वायर्स होते हैं 4 पेयर्स, उनको अलग 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 रखा जाता है और जो इंटरफेरेंस होता है काफ़ी कम होता है। तो देख लो घूमी हुई है, रोल है, और फिर भी स्पीड जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही मिली, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैट 7 अमेजॉन बेसिक की प्रीमियम केबल है, ठीक है, Cat 8 तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से पता चला कि अगर आपके घर में 100 Mbps के नीचे का प्लान है तो कैट 5 केबल भी काफी ज्यादा है। लेकिन अब कैट 5 केबल बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो आप कैट 5E और 6 यूज कर सकते हैं। 6 भी बहुत ज्यादा होगी भाई, 10 Gbps की स्पीड बहुत होती है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भाई कैट 7 और कैट 8 केबल तो कुछ ऐसा है कि काम आपको साइकिल से है और आप लेके आ गए हवाई जहाज, समझ गए ना, मतलब जरूरत से ज्यादा पावरफुल केबल हैं और इनकी जरूरत भी नहीं होम यूज के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इंटरनेट स्पीड, यानी कि अगर हम इस इंटरनेट केबल को उबलते हुए पानी या फिर गर्म पानी में डाल दें जिसका तापमान 60-70 डिग्री सेल्सियस हो, तो इंटरनेट की स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? लगभग 80 डिग्री सेल्सियस, भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा। इसी में जाने वाला है हमारे क्रैक 6 वायर, बहुत गर्म हो जाएगा। फिर देखते हैं इंटरनेट की स्पीड में क्या चेंज आएगा। ओ भाई 5 मिनट्स लेटर अब गर्म हुए तार से इंटरनेट की स्पीड लो भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जब ये इंटरनेट का वायर 70 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में डूबा हुआ है तब इसके इंटरनेट की स्पीड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो 65 आ रही थी अभी भी 65 के आसपास आ रही है। तो अगला एक्सपेरिमेंट इफेक्ट ऑफ ठंडापन, ये देखो ऑन द इंटरनेट स्पीड, यानी कि अब इसमें जाने वाला है इंटरनेट का वायर ठंडे पानी में। 11 मिनट्स लेटर तो भाई यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इस बर्फ में तार को पड़े हुए, तार काफी ठंडा हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी स्पीड, और मुझे लगता है वही आने वाली है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग खुद देख लो भाई, तो एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 65 के आसपास स्पीड आई थी, अभी भी 65 के आसपास आई है। तो बढ़ते अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो भाई अब एक्सपेरिमेंट अगला, इसमें सीधा इंटरनेट के वायर को हम लोग बुरी तरीके से जला रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है वायर और मेल्ट भी हो गया है, और वहाँ पे हमारा नेट मुझे लग रहा है अभी भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर का प्लास्टिक मेल्ट हुआ है, अंदर के वायर थोड़ी ना कटे हैं।
तो आग से जलाने के बाद मैंने बेहतरीन तरीके से इंटरनेट के वायर्स को जोड़ा है। अब चेक करते हैं कि हमारा इंटरनेट चलेगा या नहीं। अरे 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 अरे, ये तो भाई मस्त है गुरु। इतना बुरा कनेक्शन होने के बाद भी यहाँ पे जो हमारी स्पीड आ रही है वो उतनी आ रही है जितने नॉर्मल कनेक्शन पे आती है। तो यहाँ पे मैंने चार वायर जोड़ रखे हैं और चार काट के अलग कर दिए हैं और इसे बना दिया है कैट 5 वायर, जिसमें होते हैं सिर्फ चार वायर कनेक्टेड। और अब देखते हैं हमारा इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे अभी भी हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है सिर्फ चार वायर के दम पे। और यहाँ पे बस स्पीड टेस्ट करते हैं, सिर्फ चार वायर। तो भाई देखा आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ चार वायर के दम पे फुल स्पीड आई बिना किसी दिक्कत के। ये देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लैन केबल को बिजली के तार के जॉइंट से जोड़ दिया है। ये देखो, यहाँ तक तो लैन केबल है लेकिन बीच का हिस्सा बिजली का तार है, वो भी सिर्फ चार वायर्स के जरिए। तो अब देखते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड में क्या फर्क पड़ता है भाई, चलेगा भी नहीं इस जुगाड़ से। चलिए देखते हैं। तो अभी यहाँ पे नॉट कनेक्टेड दिखाया, ठीक है, और इस वाले स्विच तक हमारे पास इंटरनेट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्लग यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरा प्लग जा रहा है हमारे पीसी में। और ध्यान से यहाँ पे देखना, तुरंत कनेक्टेड हो गया। अब स्पीड चेक करते हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट, और आप लोग देख लो इस बिजली के वायर से चलते हुए इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे कितनी आने वाली है, जो कि हमेशा की तरह फुल 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 आ रही है 65 के आसपास। तो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट, इंटरनेट कनेक्शन एक हो और चलाने वाले बहुत सारे, तो स्पीड डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे होने वाला है। तो आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक हमें 65 Mbps की स्पीड मिल रही थी वायर्ड कनेक्शन पे, लेकिन अगर हम लोग मोबाइल पे स्पीड चेक करते हैं तो आराम से 44 Mbps मिल जाती है। लेकिन अगर क्या होगा अगर हम लोग एक मोबाइल पे चेक करने की बजाय एक साथ इतने सारे मोबाइल फोन्स में स्पीड चेक करें, तो हर एक मोबाइल फोन के हिस्से में कितनी स्पीड आएगी, चलिए देखते हैं। 13 मोबाइल पे स्पीड के सभी एक साथ ऑन करो, 3 2 1 ऑन, ओ सभी पे ऑन हो चुका है। देखते हैं क्या आता है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे सब में स्पीड बहुत कम आ रही है, 2 पॉइंट में आ रही, किसी में तो, किसी में 6 पहुँच गई, किसी में तो बहुत कम आ रही है, पॉइंट में आ रही है मैक्सिमम में। देखो 0.04, 0.16, 0.51, इसमें 0.41। सिर्फ पता नहीं ये 6 कहाँ से लूट ले गया। ओ तो अभी तक हमें यही मालूम चला कि स्पीड सब में पॉइंट में आई। तो भाई इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में इंटरनेट केबल और इंटरनेट से कई सारे एक्सपेरिमेंट किया। कोई बचा है तो कमेंट में बताना जरूर, मैं वो वाले भी एक्सपेरिमेंट करूँगा। मस्त मस्त आइडियाज बिल्कुल भी नहीं छोड़े जाएंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय, शेयर जोर से करना।